पेट में बार बार गैस बनती है, पेट हमेशा भरा भरा सा लगता है या फिर पेट हमेशा टाइट रहता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, बार बार डकारे आती हैं या फिर गैस खुलती रहती है। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान सा घरेलू इलाज बताऊंगा, जिसका प्रयोग करके आप इन सभी पेट से जुड़ी समस्या से सिर्फ 5 मिनट में ही छुटकारा पा जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी वो है सौंफ। यह दोस्तों आपको इस नुस्खे में सौंफ का प्रयोग करना है। दोस्तों पेट के लिए सौंफ बिल्कुल औषधि के रूप में काम करता है। ये हमारे पेट से जुड़ी लगभग सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। दोस्तों सौंफ में कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, विटामिन सी, आयरन, सेलेनियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। सौंफ कब्ज को दूर करता है, खाने को पचाने में मदद करता है, गैस के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसके साथ ही IBS जैसे गंभीर रोगों के लिए भी सौंफ एक जड़ी बूटी की तरह काम करता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सौंफ को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। यहाँ देखिए इस तरीके से आपको सौंफ को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इसके बाद आपको लेना होगा एक खाली कटोरी। यहाँ पे मैं एक बड़े चम्मच सौंफ का प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस खाली कटोरी में मैं एक बड़ा चम्मच सौंफ इस तरीके से डाल लूंगा। इसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है आधे कटे हुए नींबू का रस। तो यहाँ पे मैं आधे कटे हुए नींबू का रस भी इसमें मिला लेता हूँ। अब इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसे 10 मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए। दोस्तों इसके बाद आप एक गिलास में बिल्कुल ताजा पानी ले लीजिए और ये जो पेस्ट मैंने बनाया है इस पेस्ट को आप पूरा इस पानी के अंदर डाल दीजिए। इसके बाद इस पानी को आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आप 1/4 चम्मच काला नमक भी डाल लीजिए और फिर इसके बाद इसे अच्छे से मिला लीजिए। दोस्तों अगर आपको बार बार गैस बनती रहती है, पेट हमेशा भरा भरा सा या फिर टाइट लगता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, बार बार गैस खुलती रहती है, तो इस तरीके से आप इस नुस्खे को तैयार कर लीजिए और खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद बिल्कुल घूंट घूंट करके सिप सिप करके इसको पीजिए। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस एक गिलास पानी को आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद सिर्फ एक कप ही पीना है। आधे घंटे के बाद फिर से आपको एक कप इस पानी का पी लेना है। इस एक गिलास पानी को या फिर इस 200 ml पानी को आपको 2 बार में खत्म करना है। इसका एक कप आपको खाना खाने के जस्ट आधे घंटे के बाद पीना है, उसके आधे घंटे के बाद एक कप और पीना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपके पेट में मौजूद पूरी गैस निकल जाएगी, आपका पेट बिल्कुल हल्का हो जाएगा। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो भूख लगेगी, बार बार गैस खुलने की परेशानी से भी आप छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। आप इस नुस्खे का प्रयोग करके पेट से जुड़ी लगभग ये सारी समस्याओं से सिर्फ कुछ ही मिनट में छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों ये नुस्खा आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।